तो फिलहाल हम आपको ऐसे दो खिलाड़ी से मिलाना चाहते हैं इस समय, जो कि सौराष्ट्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गए हैं। उम्र इनकी छोटी है, लेकिन परिपक्वता के बलबूते पर इन्होंने सौराष्ट्र रणजी टीम में जगह बनाई है। जी हाँ, मेरे साथ है इस समय स्नेहल पटेल, और मेरे राइट में है प्रेरक माकड़। और प्रेरक माकड़ की बात करें तो फिलहाल जो रणजी ट्रॉफी फाइनल हुआ था मुंबई के विरुद्ध उन्होंने खेला था, और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था उनका। प्रेरक, स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू। और स्नेल, आपका भी। थैंक यू। कैसा लगता है आपको यहाँ पर खेलते हुए? बहुत ही बढ़िया ऐसा टूर्नामेंट है, सभी अच्छे प्लेयर के साथ टूर्नामेंट ऐसी इस लेवल पे खेलने को मिलती है, तो ऐसा पूरा माहौल भी बहुत अच्छा है। कंडीशन सब बैट्समैन बॉलर सब के लिए इक्वल रहती है, तो अच्छा क्रिकेट खेलने को मिलता है। सौराष्ट्र की टीम में आपका सिलेक्शन हुआ था, तो तब आपको कैसा फील हो रहा था? बहुत ही अच्छा ही फील होगा किसी को भी रणजी ट्रॉफी में ऐसा सिलेक्ट होते हैं। जो एक एम था वहाँ पे पहुँचने का, एक वो अचीव हुआ। बस अब आगे का क्या सपना देखा है आपने, आईपीएल या कोई इंडिया के लिए कोई अंडर ए टीम या कोई खेलना? जहाँ पे भी खेलेंगे अपना बेस्ट देंगे, बस वही सिलेक्ट होना दूसरी बात है, हम अपना बेस्ट देंगे किसी भी कोई भी गेम हो। बस स्नेल, आपको पूछना चाहते हैं कि आपने भी डेब्यू किया था सौराष्ट्र के लिए, तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ा था आपको, किन परीक्षाओं में से पास होना पड़ा था सौराष्ट्र टीम में जगह बनाने के लिए? पहले तो टीम में सिलेक्ट होना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी रणजी ट्रॉफी टीम के लिए, तो पहले से जब से हम खेलते हैं तब से ध्यान होता है कि एक टारगेट होता है हमारे मन में कि ये अचीव करना है हमें, तो पहले से बहुत मुश्किल थी, लेकिन सबका सपोर्ट था इसलिए अच्छा हुआ कि डेब्यू हो गया रणजी ट्रॉफी में। पूरी टूर्नामेंट में आपकी टीम ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस किया, कैसा लगा आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस इस मैदान पर? ऐसा लगता है कि जैसे ये गुजरात का आईपीएल है, बहुत ही मज़ा आता है खेलने के लिए, एक अलग ही लेवल हो गया ये क्रिकेट का। विकेट अच्छी, बॉल अच्छा, लाइटिंग, ग्राउंड सब कुछ बहुत ही बेहतरीन हो गया, एकदम इंटरनेशनल लेवल का हो गया, बहुत ही अच्छा लगता है खेलने के लिए यहाँ पे। स्नेल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। प्रेरक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रेरक माकड़ और स्नेल पटेल, इन पर अब जिम्मेदारी है सौराष्ट्र की टीम को और आगे ले जाने की, और इन्होंने सपना देखा है कि अब यहाँ से उनकी जो हम कहते हैं जो कि जंप करेंगे वो एक टॉप लेवल के लिए।